नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के कटरा में लोगों ने माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। टीम इंडिया की पर्थ टेस्ट में हुई ऐतिहासिक जीत, 238 पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान में पुलिस कार्यवाही के बीच इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद की ओर किया मार्च। संभल हिंसा पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कोर्ट के आदेश पर हो रहा था सर्वे। दिल्ली में DU/SU चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर NSUI आगे। महाराष्ट्र चुनाव में दिखा सीएम धामी का जलवा, जिन सीटों पर किया प्रचार वहां भाजपा ने मारी बाजी। केजरीवाल ने की घोषणा, बोले दिल्ली में 5.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। उपचुनाव में जीत के बाद NDA में आज हुआ महामंथन, सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष जदयू दफ्तर में एक मंच पर होंगे, 2025 की रणनीति पर बनेगा प्लान। लखनऊ BJP कार्यालय में खाट बिछाकर दिव्यांगों का प्रदर्शन, लेखपाल पद पर नियुक्ति की कर रहे मांग। केदारनाथ हार के बाद हरीश रावत का बड़ा बयान, बोले ये कांग्रेस की हार नहीं, उत्तराखंड के सरोकारों की हार है, हमें रणनीति बदलनी होगी। चंडीगढ़ में स्पा सेंटर और रेस्टोरेंट में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया काबू। ऋषिकेश में बेकाबू ट्रक का कहर, वेंडिंग पॉइंट के बाहर खड़ी 5 गाड़ियों को टक्कर मारी, UKD नेता त्रिवेंद्र पवार की हुई मौत। लुधियाना की बोस्टल जेल में कैदी देंगे परीक्षा, ऑब्जर्वर बोले बंदियों को नहीं मिल रही अच्छी शिक्षा, शिक्षकों की कम, सभी 12 पद खाली। राजस्थान के पुलिस जवान की हुई डेंगू से मौत, तबीयत बिगड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर रेफर किया, रास्ते में दम तोड़ा। CGPSC घोटाला में टामन श्रवण की बड़ी मुश्किलें, CBI कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाने का आरोप। दिल्ली सरकार ने किया 2500 रुपए पेंशन देने का ऐलान, 24 घंटे में ही आ गए 10,000 आवेदन। अडानी मामले पर दिल्ली में हुआ बवाल, प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस वर्कर्स को पुलिस ने किया डिटेन। फिल्म चोला के ट्रेलर लॉन्च पर हुआ बवाल, भगवा कपड़ा रुद्राक्ष जलता देख भड़की करनी सेना। एक्ट्रेस हिमांशी खुराना के पिता हुए गिरफ्तार, ड्यूटी पर तैनात तहसीलदार से की थी मारपीट, 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा। भदोही में पिता ने जुड़वा बेटियों को दूध में जहर देकर मार डाला, फिर खुद लगाई फांसी, 1 हफ्ते से लापता थी पत्नी। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।